विद्या भारती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब शिक्षा कैसी हो ये तय करने का वक्त है। शिवराज सिंह ने कहा कि शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो लोगों को सामर्थ्यवान बनाए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल के जमाने में भी जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, गुरुकुल से वो सदैव एक बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बन के बाहर आता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में शिक्षा कैसी हो इस पर भी कई जरूरी बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षाविद हो, विद्वान हो, जानकार हो, विशेषज्ञ हो, शिक्षा नीति कैसी हो, उसका संचालन कैसे हो, यह दायित्व भी अब हम सबको मिलकर संभालना चाहिए। हम लोगों ने एक शिक्षा समूह बनाया है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है कौशल देना। छठवीं क्लास से ही हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति में हम कौशल देंगे जिससे पढ़ने वाले के हाथों में इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि वो आजीविका चलाने में सक्षम हो जाए। भारतीय परंपरा में आज से नहीं अनादिकाल से अगर गुरुकुल में पढ़ने कोई बच्चा जाता था तो बेहतर मनुष्य, बेहतर नागरिक बनकर निकलता था। आज भी हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर या विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में संस्कार देने का काम चल रहा है। जितने सद्गुणों की कल्पना हमने की है, अच्छा नागरिक उनको बना पाए, वो काम यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, वो देश के लिए, समाज के लिए और औरों के लिए भी जिए, ऐसी नागरिकता के संस्कारों की आज सब में जरूरत है। शिक्षा केवल सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए। पहले भी जैसे ऑटोनोमस बॉडी की हम लोग कल्पना करते थे, जो विद्वान हो, शिक्षाविद हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो, शिक्षा नीति कैसी हो, उसका संचालन कैसे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो दायित्व उनको संभालना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति की बात आदरणीय रामकृष्ण जी कर रहे थे, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है कौशल देना और छठवीं क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षा की कल्पना हुई उसमें ज्ञान देने की बात तो खूब, अब ज्ञान भी कई बार आधा अधूरा अधकचरा, अलग अलग सोच और दृष्टियों से ज्ञान देने की भी कोशिश हुई। इतिहास को भी गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश हुई, महापुरुषों के जीवने में भी भेदभाव उसके विस्तारों में नहीं, आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान। लेकिन जहां तक दूसरी चीज है नागरिकता के संस्कार, मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के आने के पहले 1986 में एक शिक्षा नीति बनी थी, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, एक नहीं अनेकों आयोग, लेकिन उसमें ये दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी, जिसमें शिक्षा भी है, तकनीकी शिक्षा भी है, चिकित्सा शिक्षा भी है, स्कूली शिक्षा भी है, सारी शिक्षाओं को जोड़ के। और हमने कल्पना यही की है कि ये शिक्षा केवल सरकार के कुछ अफसर संचालित करेंगे ये नहीं होगा, जो इस विषय के जानकार है उनसे परामर्श करके, उनसे मार्गदर्शन लेके हम अपनी शिक्षा की प्रणाली बनी। शिक्षा नीति तो आगे, और मैं जानता हूँ विद्या भारती का भी उसमें उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसको कैसे हम क्रियान्वित करें, और इसलिए लगातार हम लोग स्कूली शिक्षा के भी स्तर को कैसे बेहतर करें, अनेकों कल्पनाएं की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।